मैं सबसे पहले पूरे लद्दाख के वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के सरकार का एक फैसला बहुत बड़ा ऐतिहासिक आज जन्माष्टमी के दिन तोहफे के रूप में माननीय गृह मंत्री जी ने ट्वीट के जरिए एक्स के जरिए लोगों से जाहिर किया, लोगों को बताया कि लद्दाख में 5 नए ज़िले बनाए जाएंगे, नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किया जाएगा, जो कि लद्दाख का बहुत पुराना मांग था। जिस तरह लद्दाख के बहुत सारे अलग पुराने मांग थे, जम्मू कश्मीर सरकार तब कांग्रेस और एनसी और पीडीपी वालों ने दबा के रखे, बिल्कुल सुनवाई नहीं किया उन्होंने। आज मोदी सरकार ने 2018 में लद्दाख को जम्मू डिवीज़न कश्मीर डिवीज़न से अलग करके एक नया डिवीज़न बनाया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 हटाने के साथ साथ लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था। आज और एक ऐतिहासिक फैसला लेके लद्दाख के जो कि 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के लद्दाख पहले दो ही डिस्ट्रिक्ट में विभाजित था, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का लेह डिस्ट्रिक्ट, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का कारगिल डिस्ट्रिक्ट, आज ये 60,000 स्क्वायर किलोमीटर को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर एरिया जो चीन के साथ सीमाएं सटे हैं, पाकिस्तान के साथ सीमाएं सटे हैं, दुर्गम क्षेत्र है, दुर्लभ क्षेत्र है, फार फलंग एरिया से बैकवर्डनेस ज़्यादा है, ये सारा ध्यान में रखते हुए नया 5 डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो फैसला लिया, उसमें जंस्कार का जो सबसे पुराना तहसील है, सबसे पुराना जायज़ डिमांड, और उसी तरह नुब्रा का जो अलग से एक लैंडलॉक है पाकिस्तान के साथ, सियाचिन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, चंगतंग जो कि पूरे ईस्टर्न लद्दाख है जहाँ पे गलवान का हादसा हुआ, जहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोरी हमको देखने को ही मिलता है, उसी तरह द्रास सेक्टर जो कि शिन्ना कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ नूरबख्शी लोग रहते हैं, वहाँ के अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, कश्मीर के साथ बॉर्डर लगते हैं, गुरेज के साथ बॉर्डर लगते हैं, उसी तरह शाम इलाका बहुत बड़ा जो रीजन है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट को नया ज़िला बनाने का डिसीजन भारत सरकार ने जो लिया, जो कि लद्दाख के लोगों का बहुत पुराना मांग था, जिसको लेके मेरे कार्यकाल में जब लोगों ने मुझे वहाँ का सांसद बनाया, हमने भरपूर इसको पार्लियामेंट में ज़ोर शोर से 3-4 दफ़ा उठाया। उसके बाद हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलके उनको ज्ञापन दिया, माननीय गृह मंत्री जी से 4-5 बार मिलके उनको निवेदन किया, आग्रह किया, तो बहुत सारे विचार विमर्श होने के बाद आज भारत सरकार का फैसला, नरेंद्र मोदी जी का फैसला, माननीय गृह मंत्री जी ने अनाउंस करके बताया ये 5 जिलाएं जो है लद्दाख में बनाया जाएगा, जिसके बाद 5 जो रीजन में नया डिस्ट्रिक्ट बनाएगा तो डिप्टी कमिश्नर से नीचे जितने भी वहाँ के रोजगार हो वो वहाँ के युवाओं को मिलेंगे, वहाँ कैपिटल कंपोनेंट्स का बजट जाएगा, वहाँ स्टेट सेक्टर का जाएगा, वहाँ रेवेन्यू कंपोनेंट का बजट जाएगा, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी स्कीम्स है अपने अपने रीजन में डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ बैठ के उसका फॉलो किया जाएगा, ताकि सरकार का जितने भी स्कीम हो, जितने भी प्रोग्राम हो, जितने भी प्रोजेक्ट्स हो, वो दूर दराज इलाकों में पहुंचाने का काम मोदी सरकार प्रतिबद्ध कर रहा है। इसलिए हम भारत सरकार को कृतज्ञ अर्पित करते हैं, मोदी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं और लद्दाख के वासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम इस बात की खुशी मनाते हैं। जो 5 डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट हुआ है पार्टी की ओर से, पूरा लद्दाख वासियों की ओर से, नरेंद्र मोदी जी साथ में उनकी जो मिनिस्ट्री, स्पेशली अमित शाह जी, पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा जी, हमारे जो संगठन महामंत्री तरुण चुग जी और अशोक कुल जी, सबको तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा। ये लद्दाख का बहुत ही पुराना डिमांड्स थे जो आज पूरा हुआ है। आज जिस तरीके से पहले लद्दाख को यूटी भी बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने दी है, आज फिर से लद्दाख आज 5 डिस्ट्रिक्ट नया के साथ साथ में 7 डिस्ट्रिक्ट हो गया है। साथ में मैं लद्दाख वासियों को भी शुभकामनाएं या मुबारक कहना चाहूँगा पार्टी की ओर से, जिसमें हमारे सीईसी हो, हमारे फॉर्मर एमपी हो, पार्टी के सारे हमारे जो सीनियर्स लीडर्स है, सब ने काफ़ी इसमें मेहनत की है, आज उसका रिजल्ट मिला है। इसलिए मैं सारे लद्दाख वासियों को, ले, नुब्रा, चंगथंग, जंस्कर, करगिल, तरास, शाम, सबको फिर से एक बार पार्टी के परिवार की ओर से सबको तहे दिल से मुबारक कहना चाहूँगा, फिर से एक बार मोदी गवर्नमेंट को थैंक्स कहना चाहूँगा।